नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका स्वागत जिंदगी में। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के तिलपत की हरकेश कॉलोनी में विधायक राजेश नागर का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हम आपको बता दें कि तिगांव के विधायक राजेश नागर आज तिलपत की हरकेश कॉलोनी में एक सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पर विधायक का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मौके पर ही लोगों ने विधायक को अपनी समस्या भी बताई। विधायक तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आदेश दिए। इस अवसर पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं। हमें स्वदेशी अपनाकर विदेशी का बहिष्कार करना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। दिखाई दे रहा यह नजारा तिगांव क्षेत्र में आने वाले तिलपत गांव की हरकेश कॉलोनी का है, जहां पर विधायक के लोगों के लिए लोगों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। विधायक के पहुंचने पर लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। लोगों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली जब विधायक मंच पर पहुंचे। लोगों ने तालियां बजाकर विधायक का स्वागत किया। स्वागत जिंदगी के लिए संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने के लिए एक आह्वान कराया, जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई खादी को अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। उसी के तहत हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि भाई खादी को अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि योजना जो हमारे किसानों के लिए थी, और हमारी माताएं बहने जो गरीब परिवार से आती थी, उनको चूल्हे पे या लकड़ी पे या मिट्टी पे खाना बनाना पड़ता था, मिट्टी के तेल पे खाना बनाना पड़ता था, उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए। मिले सिलेंडर मिले है ना? और जिसको नहीं मिला उसको अप्लाई करेगा। 9 करोड़ के करीब सिलेंडर मिल चुके हैं, और अगर आगे फिर दोबारा से ये योजना आएगी उसके तहत जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएगा। इसी तरह से जो गरीब भाई गरीब परिवार जो अपना इलाज न करा पाते थे, उनके लिए आयुष्मान योजना चलाई है, स्वच्छता अभियान चलाया है सफाई के तहत, क्योंकि ज्यादातर बीमारी आप देखेंगे गंदगी की वजह से होती है। अगर हम जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, अपने सामने भी अपने एक ही कलम से एक ही बार पूरे हरियाणा की जितनी भी अमरसाई कॉलोनी सबको पास किया, ये बहुत बड़ी है, उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, पर किसी ने भी गरीबों के बारे में अदरवाइज कॉलोनी के बारे में नहीं सोचा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबके बारे में, क्योंकि वो गरीब परिवार से, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी, क्योंकि ऊपर मोदी जी है नीचे मनोहर जी है, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में 1.5-2 साल कोरोना की वजह से विकास कार्य रुक गए थे, मैं भी आपके बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि कोरोना आप ऐसे ही बुलाते रहो मुझे और मैं ऐसे ही आता रहूंगा, कोई भी विकास कार्य कभी नहीं रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अपने आसपास के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।